डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग मीडिया जी। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस से हम जो सेटल यूट्यूबर्स से ट्रेडिंग की दुनिया में, और जो उन्होंने अपने ट्रेडिंग के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो डिस्कस की है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, उन स्ट्रेटेजीज को ट्रेडट्रॉन पे आल्गो कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में लगातार डिस्कशन करते आ रहे हैं दोस्तों। और जो ये रेस्टलेस और एफर्टलेस ट्रेडिंग के जो ये जर्नी है दोस्तों, उस जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आपने डिस्क्रिप्शन, टर्म्स ऑफ सर्विस एंड कंडीशंस ठीक से पढ़ लिया होगा। अभी चलते हैं दोस्तों हमारे मेन टॉपिक की तरफ। एक ऑप्शन बाइंग की बहुत ही इफेक्टिव और क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटेजी जो कुणाल सरोगी सर ने, जो एक ऑनेस्ट यूट्यूबर मुझे लगते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट आज फॉर कल इस चैनल पे 4 महीना पहले डिस्कस की थी दोस्तों। तो बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी मुझे लगी, तो क्यों ना इसका अल्गो हम ट्रेडट्रॉन पे बना दें। तो ओवरऑल आइडिया समझ लेते हैं दोस्तों। जाता है और कभी आप देखिए इस तरह ही बैंड्स फैल जाते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसके बढ़ने का मतलब ये है कि कैंडल्स की जो साइज है वो बढ़ रही है। इस पीरियड में आप देखिए कैंडल्स बड़े बड़े बन रहे हैं, और जब कैंडल्स की साइज छोटी हो जाती है तो बैंड अपने आप सिकुड़ जाते हैं। तो देखिए, मौके तब आएंगे जब साइज कैंडल्स की बढ़ेंगी और ये बैंड फैलेंगे, वहां पर मौका है और वहीं पर ऑप्शन बाइंग करके आपको पैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो ये तय करना बहुत जरूरी है कि कब ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने अनुभव में देखा, बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग में हर पांव आते हैं लेकिन नतीजा इस वजह से नहीं आता है क्योंकि उनका फोकस जो है, दे आर बाइंग ऑप्शंस व्हेन यू शुड नॉट बी बाइंग ऑप्शंस, यानी कि हमेशा ऑप्शन बाइंग के लिए ग्रीन लाइट नहीं होती है। तो बड़ा सोच समझ कर टाइमिंग करनी पड़ती है। आपने बिल्कुल ठीक बात की। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं जो थीटा डी के, मतलब जैसे ही टाइम निकलते जा रहा है आपका पैसा पिघलते जा रहा है। एक आइस क्यूब का हम एग्जांपल हमेशा लेते हैं, आइस क्यूब को आपने तवे पे लगा दिया, जिस तरीके से मेल्ट हो रहा है उस तरीके से यहाँ पे आपका प्रीमियम मेल्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे नहीं करनी है, तो कहाँ पे और कैसे करनी है? कैसे करनी? तो उसके लिए देखिए हमें ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना है जो है बोलिंजर बैंड। और बोलिंजर बैंड का अगर आप फैलाव देखेंगे, यानी आप देखें कि इसका जो एक्सपेंशन है यहाँ पर, अगर आप गौर से देखें तो एक्सपेंशन बहुत कम हो गया था और यहाँ आप देखें तो बैंड फैल गए थे। जहां पर भी बोलिंजर बैंड बहुत सिकुड़ जाते हैं। Wow, did you know, अगर आप न्यूट्रिशन पेल्स में 2010 में 5 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 1 करोड़ होते। ये बस एशियन पेल्स, वहां आप मान के चलिए कि ट्रेड बनने की संभावनाएं पैदा हो रही है। तो हमें सबसे पहले ऑप्टिकली अगर आप इसको देखें, इसको और बेहतर ढंग से अभी हम देखेंगे, लेकिन अगर आप केवल ऑप्टिकली स्टार्ट को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि ये वो पीरियड है जहां बैंड्स बहुत सिकुड़ गए और यहां पर आपको पता है कि इतना एक ट्रेड आने वाला है। अब ये ट्रेड पहचानना कैसे है, कैसे इसको और ऑब्जेक्टिवली किया? सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूज कर रहे थे, यहां पर 14 पीरियड का बोलिंजर बैंडविड्थ है और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि जो एसटी फैक्टर का कॉलम है उसमें आपको 2 डालना है। बस इतनी सी बात आप याद रखिएगा। एक बार सेटिंग में दिखा भी दीजिए ना सर। तो देखिए अगर आप इसको डाल रहे हैं, तो देखिए जब आप इसको डालेंगे तो ये इस तरह से नजर आएगी। इसमें लेंथ के कॉलम में 14 डालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको 2 रखना है, जैसे सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन में मिले वही स्टैंडर्ड डिविएशन है जो कि हम बोलिंजर में भी यूज कर रहे हैं। तो बोलिंजर के लिए सेटिंग्स 20/2 और बोलिंजर बैंडविड्थ के लिए सेटिंग्स 14/2। ये सब चेंज क्यों किया, रीजन क्या है इसका? ठीक है, ये इसलिए है कि जैसे ही आप इसका टाइम पे फ्रेम घटा देते हैं वैसे ही इंडिकेटर और रिस्पॉन्सिव हो जाता है, यानी कि जल्दी आपको सिग्नल्स देता है। देखिए ऑप्शन बाइंग में सारा खेल टाइमिंग का है। अगर आप टाइमिंग में चूक गए फिर चाहे आपका व्यू कितना भी सही हो, यानी कि अंत में बाजार ऊपर ही जाए, आपने सोचा था ऊपर जाएगा और ऊपर ही जाए, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। पैसा तब बनेगा जब आपकी टाइमिंग परफेक्ट होगी, और टाइमिंग के लिए हमने इसका टाइम फ्रेम घटाकर 14 कर दिया। अब आप इस इंडिकेटर को देखें, ये इंडिकेटर असल में है क्या? ये इंडिकेटर इन 2 रेखाओं के बीच का जो फासला है उसको हमने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। तो बोलिंजर बैंडविड्थ इज एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 बैंड लाइंस। तो अब आप देखिए इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि जब जब ये देखिए बहुत नीचे और डिप्रेस्ड हो जाती है रेखा, यानी बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं रसातल में जा रही है, तो ये वो पीरियड है जहां पर आपके दोनों बैंड बिल्कुल चिपक गए हैं, यानी कि उस समय कोई मोमेंटम नहीं है। अब हमें वो मौके खोजने हैं जहां ये रेखा काफी दिन नीचे रहने के बाद अचानक से ऊपर जाने लगे, तो जहां पर भी ब्रेकअप। तो ओवरऑल आइडिया हमने समझ लिया है दोस्तों, फिर भी एक बार जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको समझा देता हूँ। आपको अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है दोस्तों ऑलरेडी जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें बॉलीजन बैंड्स पहले प्लॉट कर लेते हैं दोस्तों, और इसका सेटिंग थोड़ा, ये जो चैनल है इसको निकाल देते हैं, और मिडन बैंड जो है वो रेड कर देते हैं दोस्तों। तो थोड़ा ये अच्छा लगता है देखने के लिए मेरे हिसाब से। और दूसरा इंडिकेटर हमको प्लॉट करना है दोस्तों, बॉलिंजर बैंडविड्थ। तो कुणाल सरोजी का ये मानना है कि ये जब बॉलिंजर बैंडविड्थ जो है, उन्होंने भी 22 ही रखा था, सॉरी 22 नहीं है, 14/2 रखा था उन्होंने दोस्तों। इसको लेआउट को सेव कर लेते। तो कुणाल सरोगी जी का ये मानना है दोस्तों, सॉरी,
तो जब ये बैंडविड्थ जो है, ये बैंडविड्थ जब बढ़ने लगती है तो हमको ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए। तो उसमें और एक कंडीशन हम डाल देते हैं दोस्तों, जब ब्रेकआउट आएगा, जब ब्रेकआउट आएगा मीडियन बैंड से, और ये जब बॉलिंजर बैंडविड्थ है ये जब बढ़ने लगेगी, मोर देन 2 टाइम्स हो जाएगी दोस्तों, प्रीवियस 2-3 कैंडल से मोर देन 2 टाइम्स अगर हो जाएगी तो हम तुरंत वो साइड पे ऑप्शन बाय कर लेंगे, चाहे वो कॉल साइड हो या चाहे वो नीचे आने लगा तो हम पुट बाय कर लेंगे, और ऊपर जाने लगा तो कॉल बाय कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव है, सिंपल है। तो इधर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है हमको, उन्होंने भी 15 मिनट और 30 मिनट पे बोला है दोस्तों, तो 30 मिनट का बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर इंट्राडे आप कर रहे हो तो 30 मिनट का जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम रख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये इधर बॉलिंजर बैंडविड्थ बढ़ने लगी तो इधर हमने अगर पुट बाय कर लिया तो इधर प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हो गए दोस्तों हमको, और ये इधर बॉलिंजर बैंडविड्थ ये बढ़ने लगी, और इधर हमने अगर कॉल बाय किया मीडियन बैंड जो है दोस्तों, इसको ब्रेकआउट करके अगर प्राइस ऊपर जा रही है और बॉलिंजर बैंडविड्थ जो है वो लगातार बढ़ने लगी है, 2-3 कैंडल्स का रेफरेंस लेंगे चाहिए तो हम कंटिन्यूअस 2-3 कैंडल से अगर बॉलिंजर बैंड बढ़ रही है तो हम कॉल बाय कर लेंगे दोस्तों। और जब मार्केट उतनी स्पीड से नीचे भी आने लगा दोस्तों तो भी बॉलिंजर बैंडविड्थ बढ़ ही जाएगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल बाय करते समय ऊपर जाएगी, मार्केट अगर नीचे आने लगा तो भी वो बढ़ने वाले है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ये कंटिन्यूअस मार्केट तेज़ी से नीचे आ रहा है तो ये बैंडविड्थ जो है ये बढ़ने वाली है, तो ओवरऑल मोमेंटम हमको तलाशना है दोस्तों। ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं दोस्तों। आइस क्यूब का उन्होंने एग्जांपल दिया है, तो ओवरऑल आइडिया मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। तो अभी इसका आल्गो हम ट्रेट्रॉन पे बनाना चालू करते हैं दोस्तों, तो आल्गो का नाम पहले डाल देते हैं दोस्तों, निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी बाय मिस्टर कुणाल सर, कुणाल सर कर देंगे, सिंपल और क्रिस्टल रहेगा दोस्तों। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं, तो एज यूजुअल हमारे दो सेट रहने वाले हैं दोस्तों, एक कॉल बाय करेंगे एक पुट बाय करेंगे। पहला जो कंडीशन है, टाइम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर नाइन ट्वेंटी डाल देंगे दोस्तों, थोड़ा मार्केट को सेटल होने देंगे 5 मिनट, फिर उसके बाद हम एंट्री लेंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा ओपन पोजीशंस का कीवर्ड, निफ्टी 50। नेट क्वांटिटी का भी यूज़ किया तो भी चलता है दोस्तों, ये कीवर्ड भी यूज़ किया तो भी चल जाएगा, दोनों में से कौन सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन पोजीशन इज इक्वल टू नंबर 0, तो ये दो कीवर्ड मेन कीवर्ड हो गए दोस्तों, ताकि हमारी लूपिंग कंडीशन अवॉइड हो सके। तो अगला जो कीवर्ड है दोस्तों, तो पोजीशन ऑफ क्लोज ऑफ -1 कैंडल, सिंबल में 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेंगे दोस्तों हम, इंस्ट्रूमेंट में एनएफओ, और इधर निफ्टी 50 कर देंगे। तो क्लोज ऑफ 15 मिनट कैंडल शुड बी ग्रेटर देन
पोजीशन ऑफ बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड, ये तो मीडियन बॉलिंजर बैंड ले लेंगे दोस्तों। अपर बॉलिंजर का ब्रेकआउट ले लेंगे दोस्तों, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि अपर बॉलिंजर ब्रांड को अगर ब्रेकआउट करके कोई कैंडल ऊपर चली गई, मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट के ऊपर, ये देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हो गए, तो इधर मोमेंटम देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आते हैं अगर ऊपर का, अगर अपर बॉलिंजर बैंड को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हो जाती है कोई भी कैंडल। ये देखिए दोस्तों, इधर ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गए, तो इधर एक ऑप्शन बाय करने के लिए अच्छा मौका हमको मिल रहा था। सेम ही पुट के साइड पे देखते हैं दोस्तों, ये साइडवेज हो गया है दोस्तों मार्केट, इधर ऑप्शन बायर का लॉस ही होने वाला है, तो ऐसे मौके हमको नहीं ढूंढने हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इधर ये जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का जो कैंडल है, ये नीचे लोअर बॉलिंजर बैंड के जो है नीचे इधर क्लोज हो गया, तो इधर बढ़िया मोमेंटम आया है, तो और उस टाइम पे हमारी बैंडविड्थ जो है बॉलिंजर बैंड की वो भी ऊपर चली गई है दोस्तों। तो बॉलिंजर बैंड की बैंडविड्थ जो है वो हम मोर अबाउट 1.5 के ऊपर ले लेंगे, और अपर और लोअर बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट ले लेंगे दोस्तों। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ऐड कर लेंगे, एनएफओ निफ्टी 50, तो ये एक कंडीशन हमारे बन गए दोस्तों। और दूसरी कंडीशन जो है पोजीशन ऑफ बॉलिंजर बैंडविड्थ, ऑफ माइनस वन कैंडल, बॉलिंजर बैंडविड्थ का सेटिंग जो है वो 14.2 लगा देना है दोस्तों, जैसे कुणाल सर ने बोला है। इधर सिंबल में 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेंगे, इंस्ट्रूमेंट नेम हमारा एनएफओ निफ्टी 50 डाल देंगे, पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन नंबर 1.5, जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा दोस्तों। फिर से एक बार चार्ट पे ले जाके आपको समझाता हूँ, 1.5 के ऊपर अगर जाएगी तो मोमेंटम बहुत अच्छे होने वाले हैं दोस्तों, चाहिए वो कॉल साइड की तरफ हो या पुट साइड की तरफ हो। 1.5 को जब ये क्रॉस करेगा तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आ रहा है दोस्तों। ये देखिए 1.5 को इधर क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो इधर कॉल अगर हमने मंथली और एक्सपायरी का कॉल अगर बाय कर लिया होता तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स होते इधर। देखिए जब जब ये क्रॉस करके ऊपर जा रहा है 1.5 को, ये चीज़ों उन्होंने बताई नहीं है दोस्तों, लेकिन ये टेक्निकली हम इधर चार्ट पे उसको सिर्फ आइडिया उनसे लेना है, लेकिन जो करना है दोस्तों वो टेक्निकली हमको ही करना है, ताकि हमको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हो सके दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये 1.5 के ऊपर गया तो ये बढ़िया मोमेंटम आ गया दोस्तों इधर। तो ये अल्गो में डालने से पहले ये सब चीज़ें जो है वो स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का जो है दोस्तों वो हमको ख्याल रखना पड़ता है अल्गो को क्रिएट करते समय, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के ऊपर बाइंग और सेलिंग होने वाला रहता है, क्योंकि हम मैन्युअली तो कुछ भी नहीं करने वाले, अल्गो को सुबह टोकन जनरेट करके हम छोड़ने वाले हैं दोस्तों। तो ये सब कंडीशन अगर परफेक्ट रहेगी तो ये हमारा जो है प्रॉफिट होने वाला है, नहीं तो ऑप्शन बायर जो कर रहे हैं दोस्तों आपको ठीक तरह से पता ही है। अगर जल्दी से जल्दी अगर लोग
अल्गो में कन्वर्ट हो गए तो ऑप्शन बायर का लॉस जो है वो कम होने में उसकी मदद हो सकती है दोस्तों। नहीं तो इमोशन फेयर और ग्रिड के चक्कर में बड़े प्लेयर्स जो है वो ये रिटेलर्स का पैसा लूट रहे हैं दोस्तों। तो ये रोकने के लिए जल्दी से जल्दी हमको सिस्टमेटिक ट्रेडिंग यानी कि अल्गो में कन्वर्ट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैनुअल ट्रेडिंग जितना हो सके कम कीजिए दोस्तों। वो आपके सेहत के लिए भी अच्छा, आपकी खुद की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके जो फंड है उसकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है दोस्तों। आप जितना अल्गो से करेंगे उतना स्ट्रेस फ्री रहेंगे और उतना आप एंजॉय करेंगे ट्रेडिंग को दोस्तों। आप रेस्टलेस नहीं होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप लाइफ एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो आप किधर घूमने भी चले गए तो भी आपके मन में वही रहेगा चार्ट, ये किधर चला गया, वो किधर चला गया चार्ट, आज बैंक निफ्टी इतना ऊपर भागा, निफ्टी इतना नीचे गिर गया, यही आपके मन में रहेगा दोस्तों। ये आपको आपने अगर अल्गो में सिस्टम बना दिया और सुबह सिर्फ आपको टोकन जनरेट करना है सिर्फ दोस्तों, सुबह 8 बजे, उसके बाद अल्गो खुद अपनी पोजीशन लेता रहेगा और काटता रहेगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेरा चैनल है दोस्तों, ये चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बढ़िया बढ़िया और टॉपिक मैं आपके लिए लेने वाला हूँ। तो जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। तो उसके लिए जल्दी से जल्दी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो ये बाइंग हो गया दोस्तों, तो इसको स्टॉप लॉस भी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो PNL का स्टॉप लॉस ले लेंगे हम, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मिनिमम 1:2 का जो है वो रेशियो मेंटेन करना जरूरी है दोस्तों, ताकि लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल रह सके मार्केट में। -1000 रुपीज़ का मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है दोस्तों। और टेक प्रॉफिट जो है वो हम 40 पॉइंट्स का लेंगे दोस्तों। तो 2000 का प्रॉफिट लेंगे एक तो मार्केट से, नहीं तो 1000 का स्टॉप लॉस दे के जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार हमको ट्रेड करना है तो ही हम मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं दोस्तों। एक रोबो की तरह, एक मशीन की तरह हमको ट्रेड करना है और ये अल्गो के सिवा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हम सोचते हैं कि नहीं मैं फिक्स इधर ही रखूँगा, ये इसके कैंडल अगर नीचे चले गए तो मैं सेल कर दूँगा, नहीं फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आप वेट करते हो दोस्तों। और वेट करने के बाद कैंडल कभी कभी ऊपर आ जाती है, 10 में से 1 टाइम पे ऊपर आ जाती है, लेकिन 9 टाइम्स आपका पैसा लेके जाता है दोस्तों मार्केट। तो वो सब चीज़ें हमको नहीं करनी है, हमको सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना है दोस्तों और सिस्टमेटिकली ही ट्रेडिंग करना है, ताकि मार्केट में आने का हमारा जो मेन एम है वो जो है वो सक्सेसफुल हो सके दोस्तों। तो इधर कॉल बाय करने की जो कंडीशन है उसको हमने इधर कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। तो ग्रेटर देन की जगह इधर लेसर देन आ जाएगा और इधर अपर की जगह लोअर बोलिंजर बैंड आ जाएगा दोस्तों। इधर सिंबल में 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लेंगे। ENFO निफ्टी 50, तो ये जो बॉलिंजर बैंडविड्थ की कंडीशन है दोस्तों ये सेम ही रहने वाली है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए तेज़ी से, अगर ऊपर गया तो भी बैंडविड्थ बढ़ने वाली है और तेज़ी से अगर नीचे आया तो भी बैंडविड्थ बढ़ने वाली है दोस्तों। तो दोनों कंडीशन में जब बैंडविड्थ बढ़ेगी तो फास्ट मोमेंटम आएगा और हमको वो टाइम पे एंट्री करनी है दोस्तों। तो 1.5 के अगर ऊपर गया तो ही हमको इमीडिएट ऑप्शन बाय कर लेना है दोस्तों। तो इस केस में हमको क्या बाय करना है, पुट बाय करना है। तो ये जो कंडीशन है दोस्तों इसको कॉपी करके पोजीशन इधर पेस्ट कर देनी है, इसमें हमको माइनर चेंजेस करने हैं, कॉल की जगह पुट डाल देना है,
इधर फिर से निफ्टी 50 सिलेक्ट कर देंगे, करंट मंथ की जगह करंट वीक हो जाएगा दोस्तों। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। इस एग्जिट कंडीशन हमारे दोनों सेट की सेम रहने वाली है दोस्तों। पीएनएल के हिसाब से हम लेंगे, पीएनएल के हिसाब से जैसे मैं हर वीडियो में आपको दोस्तों बोलता हूँ, किसी भी कैंडल का हाई लो, किसी भी इंडिकेटर का क्रॉसओवर, ये सब बात में इसका स्टॉप लॉस कभी भी मत रखिए दोस्तों, क्योंकि कैंडल कितनी बड़ी बनने वाली है मार्केट में, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो या 3 मिनट की कैंडल हो, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, क्योंकि वो कितने बड़े बनने वाले हैं वो आपको पता नहीं, तो आपका जो रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो है वो गड़बड़ा जाएगा दोस्तों। अगर आपने उसके उस हिसाब से अगर ट्रेडिंग करना चालू कर दिया तो ओवरऑल आप कभी कभी प्रॉफिट में आ जाओगे, तो ओवरऑल मंथ में आप टोटल लॉस में जाने वाले हो दोस्तों, क्योंकि कभी कभी आपको छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा लेकिन आपको लॉसेज जो है वो बड़े बड़े देने पड़ेंगे दोस्तों। मार्केट को, मार्केट से कैसे पैसा निकालना है एक स्किल है दोस्तों। ये स्किल आप अगर आल्गो में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये स्किल आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं दोस्तों। और ये मैनुअल ट्रेडिंग का जो ये हेडेक है, इस हेडेक से आप बाहर आ सकते हैं दोस्तों। तो यूनिवर्सल एग्जिट में हम टाइम बेस कंडीशन डाल देंगे दोस्तों, टाइम यूनिसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, बज के पंद्रह मिनट्स पे हम एग्जिट कर लेंगे दोस्तों। बाकी जो मार्केट प्लेस सेटिंग है उसको कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी जो है दोस्तों कुणाल सर ने जो बताई थी ये एब्सोल्युटली रेडी हो गए दोस्तों। आप भी स्ट्रेटेजी बना के उसको बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने से अच्छा दोस्तों आप पेपर ट्रेड कीजिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग जो इंजन है ट्रेडट्रॉन का उस पर ज़्यादा रिलायबिलिटी मुझे खुद को नहीं लगती है, क्योंकि वो कैसे उसका बैक टेस्टिंग करते हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स दोस्तों आपको पेपर ट्रेड करने के एक 10-15 दिन आप पेपर ट्रेड कौन सी भी स्ट्रेटेजी कर लो, 15 दिन में अगर प्रॉफिटेबल रही दोस्तों तो स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है। अगर 15 दिन में आपका ओवरऑल निगेटिव में जा रहा है दोस्तों तो स्ट्रेटेजी, अगर इधर आपका 500% 300% अगर रिटर्न दिखा भी दिया तो उसका हमको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है जब तक एक्चुअल मार्केट में वो स्ट्रेटेजी प्रॉफिट्स नहीं निकालती। चाहे साइडवेज जाए मार्केट, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, हमको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है दोस्तों। तो ये बात आप समझिए, आप इसको इस स्ट्रेटेजी को क्रिएट करके उसको पेपर ट्रेड कीजिए दोस्तों। पेपर ट्रेड करने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, पेपर ट्रेड करने के बाद आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इसमें क्या और चेंजेस कर सकते हैं, कि इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और चेंजेस करने के बाद खुद आप उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। और सिर्फ ये 300 के प्लान में ट्रेडट्रॉन पे हो जाएगा, ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी दोस्तों, बैक टेस्ट करने के लिए भी ये 25 रुपीज़ हर एक बैक टेस्ट को लेते हैं दोस्तों। तो पैसा उधर वेस्ट करने से अच्छा है आप इधर पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आपको एक्चुअल रिजल्ट जो है वो पता चल जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपके आँखों के सामने पूरी बना दे दोस्तों, आप उसको पेपर ट्रेड कीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और आपके पास अगर कोई ऐसा ही लॉजिक है और ट्रेडट्रॉन का कोडिंग आप अगर नहीं जानते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमने हमारी टीम का जो है व्हाट्सअप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी चलते हैं दोस्तों, हमने जो स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय की है मार्केट में, तो ये देखिए दोस्तों वैल्यू इसमें अभी निफ्टी बैंक था दोस्तों, तो निफ्टी 50 भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है दोस्तों। तो इसके ओवरऑल ट्रेड्स जो है दोस्तों, देखिए प्रॉफिट्स बहुत छोटे छोटे, इधर थोड़ा सा ज़्यादा ये मार्केट साइडवेज चला गया था दोस्तों, तो 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, लेकिन ओवरऑल जो है ये स्ट्रेटेजी पॉजिटिव में गई है दोस्तों। और आज का इसका सिर्फ एक दिन का प्रॉफिट 9000 के ऊपर है दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है।
और ये बाकी के इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस हिट हुए दोस्तों, लेकिन ये स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको सब्सक्राइब करके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, नहीं तो लाइव ऑटो में भी डाल सकते हो दोस्तों। लेकिन इसका कैपिटल का रिक्वायरमेंट अभी 50,000 हो गया है, क्योंकि एट द सेम टाइम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों में ये ट्रेड करने वाला है। क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, हम सिर्फ निफ्टी बैंक के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी निफ्टी 50 का मूव जो है वो हमसे छूट रहा है दोस्तों। तो जब निफ्टी बैंक कभी कभी हमको लॉस देने लगेगा तो संभालने के लिए निफ्टी 50 रहेगा। तो उस ये सब डेटा को स्टडी करके हमने जो है वो निफ्टी 50 भी उसमें ऐड कर दिया है दोस्तों। तो कभी कभी इधर अगर लॉस होने लगा तो इधर वो निफ्टी 50 प्लस में जाएगा, निफ्टी 50 कभी भी लॉस में होने लगा तो एक से अच्छा दो भले दोस्तों। तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया है, इसको आप सब्सक्राइब करके इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पेपर ट्रेड करके चेक कर सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद लाइव ऑटो में जा सकते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।